परिवहन आयुक्त रवि जैन रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोरोना वॉर रूम का निरीक्षण किया और हर जानकारी का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान एडीएम राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें सारी जानकारियां दी। परिवहन आयुक्त ने वॉर रूम में लगे कार्मिकों से सीधी बात की और सारी शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया जानी। साथ ही कहा कि इस वक्त यहां आने वाला हर एक कॉल महत्वपूर्ण है और समाधान तक उसका फॉलोअप किया जाना भी जरूरी है। और यहाँ पर कई सारे जो कोरोना वायरस के कारण प्रशासन को कदम उठाने थे उनका जायजा लिया। खासतौर से जो कंट्रोल रूम की स्थिति है, जहाँ पर लोग ग्रीवेंसेस अपनी देते हैं, उनका किस तरह से समाधान किया जा रहा है, किस तरह से कंट्रोल रूम चल रहा है, जो रसद और राशन की सामग्री का वितरण है उसका जायजा लिया। इसमें किन किन को चयनित किया गया है, उसको चयनित किस तरह से किया गया है, प्लस जिनको चयनित किया गया उन तक जो खाना है या राशन का किट है वो बराबर पहुंचा है कि नहीं, उसको भी मैंने देखा। कुछ जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं उनमें और लॉकडाउन वाले जो इलाके हैं उनमें किस तरह से पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा उसकी पाबंदियों का इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है, उसको भी मैंने देखा है। और खासतौर से चूंकि कर्फ्यू पांच छह जगह कर्फ्यू लगा हुआ है पूरी तरह से, तो जो सिटीजन्स हैं वो पूरी तरह से अपने घरों में बंद है, तो उन तक जरूरतमंद की जो जरूरत की चीजें हैं वो बराबर उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, इसके लिए भी मैंने